हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग्स। और आज बहुत दिनों बाद मैं कहीं घूमने नहीं जा रही हूँ, बस घर पे हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है भंडारे वाले आलू। आप लोगों ने कभी खाया भंडारे वाले आलू? तो इंडिया में हम लोग कहीं पे भी भंडारा होता है ना, बहुत टेस्टी आलू बनते हैं भंडारे वाले। तो आज भंडारे वाले आलू और पूरी बनाने वाली हूँ लंच के लिए। सो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी कीनिया से भंडारे वाले आलू का टेस्ट करवाते हैं। ओ बट मैं एक चीज़ तो भूल गई, मेरे पास गरम मसाला भी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे गरम मसाला पीसना पड़ेगा। तो मैं गरम मसाला जो घर पे ग्राइंड करती हूँ, मैं ख़त्म हो गया मेरा गरम मसाला। सो गरम मसाला अगर आप घर पे ग्राइंड करें ना, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। मेरी मम्मी क्या करती थी, गरम मसाला लेंगी, मैं कुंडी में क्रश करती थी गरम मसाला, और उसका टेस्ट जो आता था ना फ्लेवर खाने में बहुत बढ़िया। तो मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा कि जो गरम मसाला वो फ्रेश ही पीसो। मेरी मम्मी तो रोज का रोज ही पीसती थी, हम लोग थोड़े से लेजी है। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा मतलब 15-20 दिन का गरम मसाला पीस के रख लेती हूँ साथ में। बाजार का गरम मसाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है यार, आप लोगों को भी लगता है जैसे पूरी मिलावट से भरा पड़ा है? मतलब कई बार तो ऐसा लगता है जैसे राख ही है उसमें, नो टेस्ट एट ऑल। सो गाइज, मैं तो हमेशा अपना गरम मसाला जो है ना वो घर पे पीस के उसी की सब्जी बनाती हूँ, बहुत पर्टिकुलर हूँ इसके लिए। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ अपने गरम मसाले की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले चलिए चल के गरम मसाला बनाते हैं, उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ भंडारे वाले आलू। सो आप भी देखिए भंडारे वाले आलू कौन से होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। जो भी आप तीर्थ स्थलों पे और किसी भी रिलीजियस फंक्शन में जो भी आलू की सब्जी और पूरी खाते हैं ना, वो हमारे नॉर्थ में वही टेस्ट होता है आलू की सब्जी का। चलिए चलते हैं किचन में और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स। और गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ से भी आप देख रहे हैं कमेंट कीजिए कि आप लोगों को मेरी सब्जी पसंद आई आलू की या नहीं। जस्ट सिंपल, मैं कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नहीं हूँ यार। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अवर ब्लॉग। कीप वॉचिंग कंचन शर्मा ब्लॉग्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक बाउल में सारे मसाले जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। एक कटोरी में धनिया ले लेती हूँ, सबसे ज्यादा मैं धनिया ही डालती हूँ। सो धनिया के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है ये। सो उसके बाद मैं ले लेती हूँ हाफ कटोरी जीरा डालती हूँ। हर बार मसाला मेरा यही प्रपोर्शन में बनता है। सो उसके बाद जीरा भी जो है उसके भी वो डाइजेशन के लिए, गैस ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं ले लेती हूँ सौंफ। सौंफ भी मैं थोड़ा हाफ से थोड़ा सा कम ले लिया मैंने, आप चाहें तो इससे भी कम डाल सकते हैं, मुझे सौंफ अच्छी लगती है मसाले में, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैंने ले ली है मेथी। सो मेथी भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले सकते हैं, ये शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। सो मैं इसको थोड़ी सी मेथी डाल लेती हूँ, जिससे कि इसका टेस्ट भी, मेथी का भी बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। उसके बाद मैंने डाल दिया अजवाइन। सो अजवाइन जो, ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं सब डाइजेशन के लिए अच्छी रहती हैं। तो मसाले में जितनी डाइजेशन की प्रॉपर्टीज होंगी वो आपको सब मिलेंगी। उसके बाद मैंने चपटा सोया डाला है। सो उसके बाद मैं ये डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च। काली मिर्च बोलते हैं ब्लड भी प्यूरीफायर है, बहुत अच्छी। तो सारी चीज़ें जो भी हम मसाले में यूज़ करते हैं ना, उनके कहीं ना कहीं हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं 3-4 बड़ी इलायची ले लेती हूँ, छोटी इलायची मैं नहीं डालती हूँ, मैं इसमें सिर्फ यही सारी चीज़ें डालती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़े से लवंग भी डाल दिए और थोड़ी सी इसमें दालचीनी डाल देती हूँ, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दालचीनी को भी बोलते हैं डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छी है। मेथी जो बोलते हैं शुगर के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये सारे मसाले एक्चुअली जो भी हमारे डाइट में पहले से हैं वो सब कुछ हमारी डाइजेशन के लिए ही हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे मसाले को मिक्स कर लेना अच्छी तरह, और इसको मैं फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ। सो स्लो मोशन में इसको मैं गर्म करती हूँ, मतलब थोड़ा सा ही सील गर्म, ताकि इसमें से मॉइस्चर जो है वो ना हो, और थोड़ा सा क्रंची होके ये ग्राइंड बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाता है, और उसका टेस्ट भी, फ्लेवर और भी ज़्यादा सबका एनहेंस होके आता है। तो इनको हल्के हल्के हिला के स्लो पे फायर पे बस अच्छी तरह से मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये सारे मसाले जब भी किसी भी सब्जी में आप डालें बहुत टेस्टी बनती है, फ्रेश मसाले घर के बने हुए उनका टेस्ट ही अलग रहता है। वो शुरू से ही पीसती थी, तो मैं तो इकट्ठा ही पीस के इनको रख लेती हूँ। आप चाहें तो जीरा अलग, धनिया अलग, मेथी अलग, ऐसा भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डाल सकते हैं। मैं इन सबको मिक्स करके फिर इसका मसाला बना के वही यूज करती हूँ हर बार।
कई लोग सेपरेटली धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मेथी पाउडर सब कुछ यूज करते हैं, बट आई प्रेफर दिस वन। और मुझे बाजार का तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बाजार में जो भी मसाला रहता है मुझे पता नहीं क्यों उसमें अलग ही टेस्ट आता है। आई डोंट लाइक दैट टेस्ट। सिर्फ मुझे वो जो होता है ना सांभर मसाला, उसका टेस्ट अच्छा लगता है, वो भी सांभर में ही सिर्फ। सो गाइज, इवन चना मसाला यू कैन बाय। उसके बाद ये सारा जब हो गया तो मैं उसको ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छी तरह से। और ये देखिए क्या बढ़िया हमारा मसाला जो है वो पीस गया है। सो ये सारा मसाला जो है मैं धीरे धीरे इसी बाउल में पहले इकट्ठा कर लूँगी। मैं पोर्शंस में इनको सबको ग्राइंड करती हूँ। पहले थोड़ा सा किया, मेरा जार जो है वो थोड़ा छोटा है तो ये थोड़ा थोड़ा करके अभी मेरा बाउल भर गया है। सो इसको मैं पूरा एक कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर लेती हूँ। और महीने में मे भी 15-20 दिन तो ये मसाला मेरा चली जाता है। दैट डिपेंड्स कि कितना मैं यूज़ कर रही हूँ, किन चीज़ों में। मैं हर सब्जी में, हर दाल में, राजमा में, कढ़ी में यही मसाला यूज़ करती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट, घर का टेस्ट आता है। सो गाइज, ये पूरे महीने का मैंने भर लिया है, थोड़ा थोड़ा यूज करती हूँ इसको। तो मैं साबुत गरम मसाले जो है वही लेना पसंद करती हूँ। और अभी देखिए इसको मैंने भर दिया, इसमें क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। आप इसको फ्रेश फ्रेश खाने में यूज करेंगे ना अगर, तो पहले दिन तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। सो ये मैं ग्राइंड करके हर बार रख लेती हूँ। और मैं कोई गर्म मसाला बाजार का यूज नहीं करती कभी भी, पाव भाजी के लिए करती हूँ या सांभर के लिए यूज करती हूँ। अदरवाइज एवरी टाइम मेरा घर का गरम मसाला जो है बहुत टेस्टी रहता है। आप भी। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू। सो आलू की सब्जी भंडारे वाली, तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम जितना मर्जी इंडिया से दूर रह लें पर हमारे दिल में इंडिया की यादें, जो बचपन की है, जो खाया पिया है, वो कभी भूलता ही नहीं है यार। सो अभी देखिए मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाले आलू। खाने का दिल कर रहा था आज। सो अभी इसमें मैंने डाल दिया थोड़े से खड़े मसाले, आप डाल सकते हैं इसमें लवंग और दालचीनी और जो भी आपके पास हैं, थोड़े से खड़े मसाले डाल लीजिए तो उससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इन आलू का। सो अभी तेज़पत्ता भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि ऑयल में इसका फ्लेवर जो है वो चला जाए। और साथ में अभी मैंने थोड़ा जीरा भी डाल दिया इसमें, थोड़ा और ज़्यादा डाल दिया ताकि जीरे से भी बहुत अच्छा, जीरा जो है वो स्टमक के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, इसलिए शायद हमारे खाने में, इंडियन खाने में जीरा जो है वो इंक्लूड किया जाता है। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन। सो उसके बाद मैंने देखिए एक प्याज, दो टमाटर और थोड़ा सा हरा धनिया काट लिया है। ये सब तड़के में अभी जाएगा। तो गाइज, ये अभी मैंने इसमें सबसे पहले डाल रही हूँ प्याज। सबसे पहले हम इसमें प्याज जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो भंडारे वाले में तो प्याज नहीं होते हैं, पर मैंने इसमें ऑनियंस भी डाल लिए हैं। आई डोंट थिंक कि वो भंडारे वाले आलू में ऑनियंस डालते हैं। सो आपकी मर्जी है, ऑनियंस तो ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने थोड़े से डाल दिए हैं। घर में है तो थोड़े ऑनियन का फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है। सो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। और इसके बाद मैंने डाल दिया चिल्ली पाउडर। आज मैंने ग्रीन चिल्ली कट करके नहीं डाली है क्योंकि मुझे ज़्यादा चिल्ली नहीं चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप कट करके भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने नमक डाला, और नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक, थोड़ी सी हल्दी डाल लें, थोड़ी जितनी आपको चाहिए उतनी, जितना येलो कलर चाहिए। हल्दी भी देखिए हमारे खाने में एंटीबायोटिक है, जो हमारे खाने में शुरू से ही है। और हम लोग हमेशा ही ये जो मसाले हैं हम लोग खाते हैं, उनका कहीं ना कहीं बेनिफिट्स हर मसाले का रहता है। और अभी मैंने जो गरम मसाला पीसा था वो डाल दिया है। गरम मसाला भी काफ़ी थोड़ा फ्लेवर बहुत अच्छा देता है इन पोटैटोज़ में, तो थोड़ा मैंने ज़्यादा डाल दिया। और आज फ्रेश ही पीसा तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जितना पुराना होता जाता है ना गरम मसाला, जब हम कवर करके रखते हैं तो धीरे धीरे उसका फ्लेवर निकल जाता है। सो इसलिए जितना हो सके कम टाइम के लिए ही उसको स्टोर करके रखें। अब मैंने इसमें थोड़ी साबुती ग्रीन चिल्ली डाल दी है ताकि जिसको चाहिए वो अपनी मिर्च खाने में मरोड़ सकता है, खा सकता है। तो भंडारे में गार्लिक तो नहीं डालते हैं, पर मैंने घर में है तो थोड़ा गार्लिक का पेस्ट भी डाल दिया है, क्योंकि आलू थोड़े से बायले होते हैं तो इसको डाइजेशन के लिए बेटर है कि थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर अच्छी तरह डालें तो उसे डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि नहीं तो पोटैटोज जो हैं वो हैवी माने जाते हैं हमारे खाने में। सो अभी गाइज इसमें मैंने इसलिए थोड़ा सा हींग भी डाल दिया। इट्स वेरी गुड फॉर डाइजेशन, क्योंकि आलू बन रहे हैं तो इसमें हींग भी, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हींग का भी। सो इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, मिक्स कर लेना है।
आप लोग भी इंडिया में भंडारे वाले आलू इंजॉय करते होंगे, हम लोग यहाँ कीनिया में भंडारे वाले आलू घर पे ही बना के खाते हैं। सो देखिए, अब इसमें मैंने धनिया और टमाटर भी डाल दिए। आप चाहें तो टमाटो की थोड़ी सी प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सारे टमाटो जो हैं वो चॉप करके डाले हैं। सो टमाटो से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इन टमाटोज को हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और कीनिया में आपको सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो फ्रेश फ्रेश मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है। ये अच्छा है कि सब्जियां यहाँ पे सब कुछ मिल जाती है। हम बाहर रहते हैं पर फिर भी ऐसा नहीं है, पूरा इंडिया का सामान जो है वो सब मिल जाता है। बस वो इंडिया का हवा पानी है वो नहीं मिल पाता है बाहर, बाकी सब कुछ आपको फ्लेवर हर चीज का मिल जाता है। सो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब ये मिक्स हो जाए तो इनको थोड़ा सा हमें ढक्कन लगाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट ढक्कन लगाए ये टोमेटो जो है वो स्मैश नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने इसको अभी कवर कर दिया है। कवर करके इसको बस थोड़ी देर के लिए पकाना है। तो इसको ऐसे ढक के 5 मिनट तक के लिए रख दिया है और फिर 5 मिनट बाद हम लोग इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये पोटैटो पूरे अच्छे टोमेटो अच्छी तरह गल जाएंगे। तब तक ये जो पोटैटोज हैं, देखिए मैं इनको, आपने कट नहीं करना है पोटैटोज को, ये मैंने बॉयल किए थे, इनको बस हाथ से स्मैश करना है तभी आपको वो टेस्ट आएगा भंडारे वाला। वहां पे आपको फाइनली चॉप्ड पोटैटोज नहीं होते हैं, वो रफली बस स्मैश्ड पोटैटोज होते हैं, तभी वो फ्लेवर आता है। तो मैंने इनको हाथ से बस वो कर दिया है स्मैश। और अब ये देखिए टमाटो मेरे पूरे के पूरे सॉफ्ट हो गए हैं ढक्कन लगाने से। इसमें अब अच्छी तरह से फ्लेवर सब मिक्स हो गए और देखिए क्या बढ़िया मतलब टेस्ट आ रहा है। आपके मुंह में पानी आ रहा है या नहीं? और गाइस, ये मसाले की जो खुशबू चली है फ्रेश मसाले की, आई कांट इवन एक्सप्लेन। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही होगी गर्म मसाले की। सो अभी इसमें सारे के सारे पोटैटोज जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। सो गाइज, ये आलू आप पूरी के साथ खा सकते हैं या चपाती के साथ, नान के साथ, सब चीज़ों के साथ अच्छे लगते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें पानी ना भी डालें, इनको ऐसे ही ड्राई बिल्कुल मिक्स करके, अब इनको मिक्स भी अच्छी तरह से करना है ताकि पूरा का पूरा फ्लेवर जो है ना वो इसमें पूरा पोटैटोज के अंदर चला जाए। सो ये रफली चॉप्ड है तो इसमें बहुत ही बढ़िया मतलब एक टेस्ट आता है। आलू हम लोग फास्ट में भी खाते हैं तब भी बहुत टेस्टी लगते हैं, उसमें यही ऑनियन गार्लिक नहीं डालते हैं। सेम रेसिपी से आप बनाएं तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं फास्टिंग में। सो गाइज, ये भंडारे वाले हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी जाएगा, क्योंकि भंडारे वाले जो आलू हैं वो थोड़े से ग्रेवी होते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे ड्राई भी पूरी के साथ खा सकते हैं। अब इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। सो सबसे पहले मैंने थोड़ी कसूरी मेथी डाल दी, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। में मिक्स कर देती हूँ। अभी मैंने इसमें पानी डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी को, ताकि पूरा का पूरा फ्लेवर जो है ना वो इसमें कंज्यूम हो जाए पोटैटोज में। सो अभी इसको मैंने पूरा अच्छी तरह से ढक दिया है, ढक्कन लगाएंगे ना तो ये पूरा मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह से, फ्लेवर पूरा का पूरा अंदर ही रहेगा। सो गाइज, ये मेरे भंडारे वाले आलू की सब्जी तैयार है, इसको मैं पूरी के साथ खाने वाली हूँ आज। और गाइज, आप भी ट्राई कीजिए घर पे ये वाले आलू बनाना। सो सच में इतने टेस्टी हैं ये आलू दिखने में ही, और इतने फ्लेवरफुल होते हैं, मेरे मुंह में तो ना सच में पानी आ रहा है। तो गाइस, आज मैंने हरा धनिया ऊपर से भी डाल दिया, लेट अस सी सुहानी खाती है या नहीं। सो गाइस, ये थी मेरी आज आलू की सब्जी की रेसिपी। सो गाइस, ट्राई जरूर करना, आप लोगों को भी बहुत टेस्टी लगेगी। मुझे तो बहुत पसंद है आलू की सब्जी, आलू किसी भी फॉर्म में हो नॉर्थ इंडियंस को बहुत टेस्टी लगते हैं। हम लोग हर सब्जी में आलू डालते ही डालते हैं, चाहे आलू बैंगन हो, आलू गोभी हो, आलू मेथी हो, आलू पालक हो, एवरीथिंग गोज विथ पोटैटो ओनली। सो नॉर्थ में आई थिंक जितने पोटैटो यूज होते हैं ना, किसी और स्टेट में इतने यूज नहीं होते होंगे। सो गाइज, कीप वॉचिंग माई ब्लॉग्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले बनाने के लिए ब्लॉग्स फ्रॉम अफ्रीका, केन्या। सो देखिए ना, गुरु से बैठ के मैं आप लोगों को पूरे ब्लॉग्स जो अपने शेयर कर रही हूँ। सो कीप वॉचिंग माई ब्लॉग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर सब।